बैक टू द वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी रिक्वेस्ट हमसे की है विराज राव ने और वो एक स्टैंड अप कॉमेडी है और उसका टाइटल बताएंगे आप मौसम। टाइटल है बहू की स्लीवलेस एंड इंडियन इंटरनेट स्टैंड अप कॉमेडी बाय विपुल गोयल। मतलब क्या बहू की स्लीवलेस ये क्या होती है? मीन की स्लीवलेस सबको पता है। एनीवे देख लेते हैं पहले वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का चैनल का आयोजन लिंक जो है आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। ऑल द हस्बैंड्स इन द ऑडियंस मेक सम नॉइस। हस्बैंड्स कितना ऑडियंस होगा? डू यू गाइस रियलाइज द मोस्ट हेल्पलेस यू फील एज अ हस्बैंड? डू यू गाइस रियलाइज दैट योर वाइफ इज द ओनली पर्सन इन दिस वर्ल्ड who will say bad things about your mother on your face? But sun kamine apni maa ke bare tu sun abhi tak sleeveless nahi pehen sakte ni just because teri mummy ke biceps latakte rehte hai iska ye nahi ki hum bhi nahi pehen sakte na हम जाते हैं जुम्बा। अरे मुझे आज तक समझ नहीं आया अरे हमारे इंडियन मिडिल क्लास घरों में ये बहू की स्लीवलेस का इतना बड़ा इशू क्यों बना हुआ है यार। और सबसे ज्यादा स्लीवलेस के अगेंस्ट होती है कोई तो एक 80 साल की परदादी होती है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही यार। तो यमराज रोज अपनी भैंस लेकर उनको पिकअप करने आता है लेकिन वो है कि यमराज को OTP नहीं दे रही। और ये जो 80 साल की परदादी होती है ये स्लीवलेस के इतनी अगेंस्ट होती है कि अगर कल को बहू टाइटैनिक में होती है और टाइटैनिक डूब रही होती तब भी ये बहू को लाइफ जैकेट नहीं पहनने देती। तो यार कुछ जोक्स में आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा यार। ठीक है, हर चीज स्पून फीड नहीं करने वाला हूं मैं। यहाँ पे महेश ट्यूटोरियल्स नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, और आपने देखा ये जो हमारी ऊपर वाली जनरेशन है ना, मम्मी पापा वाली जनरेशन, इनको अगर कोई भी आर्गुमेंट जीतना होता है ना, इनकी स्ट्रैटेजी होती है आज कल और परसों, तो ये चीज को खींच देते हैं। अरे बहू बोल रही है स्लीवलेस पहने को, अरे ऐसे कैसे कंट्रोल में रखो यार। आज स्लीवलेस पहनेगी, कल बैकलेस पहनेगी, परसों टॉपलेस घूमेगी। एक तो इनको लगता है कि बहू इनके घर में ना एक्सपोजर के लिए आई हुई है, मतलब कि उसका किंग फिशर कैलेंडर का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो उसको लगा भी अग्रवाल जी के वहां से वर्क फ्रॉम होम कर लेती हूँ। आई जस्ट होप कोई इन लॉस के साथ नहीं आया यार, जाते वक्त बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। तुम जानबूझ के शो में लेके गई थी ना, तुमने फ्राइडे को पहले ही देख लिया था ना ये। बट आपने देखा इंटरनेट पे ना इंडियंस बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, आपने देखा? हाँ मैम, हम इंटरनेट पे किसी भी कंट्री की ले लेते हैं यार, क्योंकि एक तुम्हारी पॉपुलेशन ज्यादा है और फ्री टाइम तुम्हारे पास सबसे ज्यादा है, तो कुछ भी लिखते हैं इंटरनेट पे यार। तो बीच में कुछ तो इंडिया अमेरिका में टेंशन हुई 2 साल पहले, तो हम इंटरनेट पे ये सारे मीम्स बना के सर्कुलेट कर रहे हैं। अमेरिका अपनी औकात में रहे, जितना तुम्हारे पास तेल के कुएं नहीं है ना, उससे ज्यादा तेल तो मंगलवार को हनुमान जी को चढ़ा देते हैं। हम लोग चूतिए, इस सरसों के तेल की बात नहीं हो रही है। भाई US ने इराक पे अटैक इसलिए नहीं किया था क्योंकि उनको थैंक्स गिविंग के पकौड़े तलने थे। ठीक है, कुछ भी मत लिखो जियो यूजर। हम लोग इंटरनेट पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ले नहीं पाते। एक साल पहले कोई तो हम इंग्लैंड में वनडे मैच सीरीज खेलने गए, बुरी तरह हारे हम लोग, बहुत ही घटिया खेले सर। लास्ट बॉल पे हमको 122 रन चाहिए थे। और आशीष नेहरा बैटिंग पे था। तो मैच के बाद वहां के इंग्लिश कमेंटेटर ने ट्वीट किया
कि इंडियंस वर आउटप्लेड इन द फील्ड टुडे नॉट अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डिसअपॉइंटिंग, तो उस पे जाके हमारे बंदे कमेंट कर रहे चुप कर लुटेरे पहले हमारा कोहिनूर वापस कर अब बंदे का लोकेशन दिखा रहा है गाजियाबाद लाइक यार तू किस बात का कोहिनूर मांग रहा है यार नहीं तुझे कुछ मांगना है तू 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी मांगना है यार अपने काम की चीजें मांगो ना यार आपको पता है गाजियाबाद में इतनी बिजली जाती है वहां पे लोग इलेक्ट्रिक गिटार जनरेटर पे बजाते हैं सच में मैं वहां पे कॉलेज शो करने गया था वहां पे रॉक बैंड का नाम था इन्वर्टर्स हमारा कोहिनूर वापस करे यार एक तो ये इंडिया की पब्लिक ना हमारा कोहिनूर वापस करो तो ऐसे हक से मांगती है जैसे उनका पर्सनल कोहिनूर ले गए थे अंग्रेज जैसे एक दिन उनकी वाइफ कोहिनूर का पेंडेंट पहन के गाजियाबाद में घूम रही थी पीछे से बाइक पे दो जेब कतरे आए लॉर्ड माउंटबेटन और जनरल डायर और एकदम से जनरल डायर की नजर आंटी पे पड़ी क्योंकि आंटी ने स्लीवलेस पहनी हुई थी फिर उन्होंने चेंज कीजिए और वो लंदन ही चले गए बाइक पे और जब ये चोरी हो रही थी तो मोहम्मद जिना साइड में खड़े खड़े रूहअफ़ज़ा पी रहे थे मतलब उन्होंने आंटी की बिल्कुल भी हेल्प नहीं किया उल्टा जिन्ना आंटी के क्लीवेज की तरफ देख रहे थे वो क्योंकि उनको पार्टीशन पसंद है आप लोगों को पार्टीशन में मजा आया नहीं देखा मुझे सच में टेस्ट पता है आप लोगों का मैं ब्लफ नहीं कर रहा था बट यू नो वी आर एट अ वर्स्ट इंटरनेट बिहेवियर व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान आपने देखा पाकिस्तान के लिए हम कुछ भी सेंसलेस टाइप कर देते हैं और बदले में पाकिस्तान और भी सेंसलेस टाइप करता है वहां पे ऐसा लगता है 1947 में हमारे आईक्यूज का भी बंटवारा हो गया था उधर 19 उनका 47 हमारा होगा तो एज यूजुअल पाकिस्तान ने बॉर्डर पे कुछ बदमाशी की तो व्हाट्सएप पे हम ये सब सारे फोटो सर्कुलेट कर रहे हैं ये आप सबको आया होगा पाकिस्तान अपनी औकात में रहे हाँ अगर आप सब हिंदुस्तानियों ने एक साथ बॉर्डर पे मुद दिया तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी और मैं सोच रहा हूं कल को युद्ध हुआ तो इस आदमी का प्लान है ये है मतलब ये है इसकी अग्नि मिसाइल ये 1.2 बिलियन लोगों को एक साथ बॉर्डर पे इकट्ठा करेगा और हम सब पाकिस्तान की तरफ एम लेके मुतेंगे वहां पे ये है ऑपरेशन विजय ये मुतेंगे हम और मैं सोच रहा हूं अगर वहां पीछे से चाइना ने मुद्दा तो हम भी तो बजाएंगे फिर बस चाइना तो हाइट पे भी है सीधा मुंह में मुतेगा हमारे फिर पीना बैठ के मंचाओ सूप उधर थैंक यू आई टोटली डिजर्व इट लेकिन आपने देखा हम लोग चाइना से पंगे नहीं लेते देखो चाइना से हमारी थोड़ी सी फटती तो है देखो वो जब हम 62 के वॉर में हारे आई मीन जब वो ड्रॉ हुआ था
तो जब चाइना बॉर्डर पे बदमाशी करता तब युद्ध की बात नहीं होती हमारे यहाँ पे। मेरे को अलग ही मीम बन के आया मेरे को एक, चाइना अगर अपनी माँ का दूध पिया ना तो क्रिकेट के मैदान में लड़के बताओ उनकी क्रिकेट टीम है भी नहीं। और मुझे आज तक समझ नहीं आ रहा अगर अपनी माँ का दूध पिया ये थ्रेट क्यों है, गाली क्यों है, हर कोई अपनी माँ का दूध ही पीता है यार। निलेश इसमें क्या डाउट है, क्या कंफ्यूजन है लोगों को, ऐसा थोड़ी चाइना में लोग चाची का दूध पी रहे हैं यार। गेम ऑफ थ्रोन्स थोड़ी चल रहा है कोई किसी का भी दूध पी लेगा यार। अगर स्टैंड अप कॉमेडी की बात करें तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जहां से उन्होंने स्लीवलेस से शुरू करके और बिल्कुल एंड तक वो आए, मैं वैसे स्टार्टिंग पार्ट जो है वो थोड़ा सा फनी नहीं था लगा, कहीं कहीं से फनी था लेकिन कहीं कहीं से फनी नहीं था, लेकिन जहां से बात स्टार्ट हुई कोहे नूर की वो वहां से लेके एंड तक सारा पोर्शन बहुत मजे का था। नो डाउट, लेकिन पहले भी हाँ मैं भी एग्री करूंगी मौजन की बात से, फनी था लेकिन इतना ज्यादा फनी नहीं था, लेकिन कुछ चीजें वाकई में ऐसी थी जैसे मुझे फनी के बाइसेप्स मतलब के जो आपकी सांस के लटक रहे होते हैं तो इस वजह से नहीं वो पहले देती, या फिर आपकी बीवी एक ऐसी औरत है जो आपकी माँ की बुराई आपके सामने कर सकती है, वाकई में सिर्फ यही चीज ये सच है। और बाकी जिस तरीके से उन्होंने इंटरनेट का बताया और बीच में उन्होंने पाकिस्तान को किट लगाई फिर उन्होंने खुद इंडिया की भी किट लगाई, तो मतलब एंटरटेनिंग वाकई में था, बहुत मजा आया मुझे देखने का। वाकई में सोशल मीडिया पर हमें बहुत सारे बेवकूफ नजर आते हैं जो कि इस तरह की बातें करते हैं, पर मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लोगों को सोशल मीडिया पर लड़कर किस चीज का मजा आता है, क्योंकि मैंने आज तक कभी कमेंट नहीं किया। वैसे मैंने भी आज तक कोई कमेंट नहीं किया, यानी कि वैसे मैंने कमेंट किए हैं लेकिन इस तरह के मैंने कभी कोई कमेंट नहीं किए, लेकिन अगर बाकी सोशल मीडिया पे बात करें खासकर मीम्स वाले लोगों की बात करें यार, इस तरह की मीम्स बनाते ना वो पढ़ के समझ नहीं आती कि बंदा हंसे या क्या करे। वैसे मुझे तो ऑनेस्टली बताऊं मुझे इस तरह की चीजें अनॉइंग लगती हैं, उसकी रीजन ये है कि सिर्फ इस चक्कर में कि हम एक दूसरे को जलाएं, हम गुस्सा दिलाएं, पता नहीं हम क्या क्या बातें लिखते हैं कभी, मतलब वाकई में कभी इंडिया पाकिस्तान की बात हो जाए ना तो ये वाला मीम तो जो इन्होंने डिस्कस बीच में किया हुआ था सुसु वाला वो तो मैंने पढ़ा हुआ है, मतलब इस तरह से बात बहुत ज्यादा पड़ी थी तो, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस चीज में एक्सप्लेन किया मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब देखो जहां पर वो मतलब उन्होंने मुझे ऐसा लगा उन्होंने एक बैलेंस मेंटेन किया, उन्होंने ये कोई वो मुझे उनकी स्टैंड अप कॉमेडी में बिल्कुल भी वही कहते ना कि बायस्ड होना मुझे वो बिल्कुल चीज नजर नहीं आई, तो ये चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। अच्छा वैसे कि कोहिनूर की भी बात करें ना तो कोहिनूर को भी लेके जो है वाकई हमारे इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग ये तीनों आपस में बहुत लड़ते हैं और इन तीनों की मीम्स जो है वो देखने को आए रोज, कभी कोहिनूर हमारा है कभी कोहिनूर हमारा है, और ऐसी ऐसी बीच में बातें जोड़ी होती ना के पढ़ के भी शर्म ही आती है मुझे तो कोहिनूर में ना पार्टीशन बहुत होगी सीरियसली आपका ना मुझे लगता है आपकी मतलब समय एकदम से ऐसी बात कर दे रहा ना आप हक में थोड़ा ऐसा हो रहा था ये क्या बोल रही है। पार्टीशन वाली बात जो है ना शुरू से लेके एंड तक वाकई बहुत फनी थी और वो भी बीच में बहुत फनी कोहिनूर लेके बाइक भी लेट चले बिल्कुल लेकिन सीरियसली मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगी, मुझे नहीं समझ में आता कि ये जितने भी लोग हैं यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग, जैसे मौजूद ने बोला कि अभी कहता कोहिनूर मेरा कोहिनूर मैं, तो छोड़ दो बेचारा जिसका भी उसको मिल जाएगा, बट मैं मिलेगा कहाँ जिनके पास है वो कभी देंगे ये सोचे उन्होंने देना नहीं है, हम एमी लड़के जो चीजें चली गई वो चली गई, उनके बारे में दोबारा हम लोगों को डिस्कस करके और लड़ने के लिए इतना टाइम क्यों हम लोग इन चीजों में वेस्ट करते हैं, राधा दिन हम इस चीज पर फोकस करें कि हम लोग अच्छे तरीके से क्यों नहीं रह सकते। और मेरे लगता है आजकल के टाइम में ना सबसे ज्यादा अगर आपकी जंग कहीं पर होती है ना वो वाकई में सोशल मीडिया पर होती है, क्योंकि आप खुले में लड़ते हो कोई आपकी शक्ल तो देख नहीं रहा था और ऐसी ऐसी आप बातें करते हो जो कि आप कभी सोच भी नहीं सकते, आपको ऐसी ऐसी गालियां दी जाती हैं, ऐसी ऐसी बातें लिख दी जाती हैं कि मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते
कि कोई इस कदर गंदा भी लिख सकता। अच्छा वैसे अगर मैं सोशल मीडिया की बात करूँ ना, बहुत सारे लोग जो है ना वो अपनी पोस्ट को वायरल करने के लिए, अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए जो है ना इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड देखा जाए तो सोशल मीडिया पे ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो चीजों को रिजोल्व करने के लिए भी बैठे हुए हैं, जो अच्छे तरीके से ही बात करते हैं। हाँ वो भी मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है ना। ज्यादा जो लोग हैं वो आपके लिए यू नो नेगेटिविटी लेकर आते हैं। नेगेटिविटी ज्यादा फैलती है ना। हाँ बिल्कुल, और आसानी से फैल जाती है। वो क्या नाम लेते हैं, जब हमने वीडियो देखी थी मत फॉरवर्ड करो ना, फॉरवर्ड मत करो, हाँ फॉरवर्ड मत करो ना, उस दिन यही तो बताया गया कि नेगेटिविटी मत फैलाएं। लेकिन हमारे यहाँ पे नेगेटिविटी वो इस तरह फैलती है, और जो है ना पॉजिटिविटी वो बस यूं ही स्ट्रोप ही हो जाती है। हाँ बाद में फिर वैसे जैसे वीडियो में उन्होंने बात की ना, मतलब कि चाइना के साथ जब हमारी वॉर होती है तो हम लोग इस तरीके से लिए, तो वो वाला मीम भी जो सा उन्होंने, वाकई बहुत अजीब सा मीम उन्होंने सुना, लाइक कि क्रिकेट टीम तो है नहीं चाइना की, तो उनके साथ क्रिकेट, क्योंकि इंडिया की क्रिकेट टीम बहुत बहुत स्ट्रांग है, मतलब पूरी दुनिया में ये बात मानी जाती है कि इंडियन क्रिकेट टीम आज के टाइम में सबसे ज्यादा यू नो मतलब अच्छा। अच्छा तो क्रिकेट से याद है जो ट्वीट की थी, तो वहां पे उन्होंने किया कमेंट किया कोई नो वापस करो। अच्छा वैसे पता नहीं तो चीज मुझे, हाँ मैं ये बस यहाँ पर ये बात बोलना चाहूंगी, टॉपिक बड़ा अच्छा था, और अगर हम लोग समझना चाहें बहुत सारे लोगों में से, तो हमें हमारे समझने के लिए ये चीजें थी कि मतलब उन्होंने एक अच्छे तरीके से एक मजाक वाले यू नो हंसी मजाक में आकर सारी बातें समझाई कि चीजों को चाहे गलत है या सही है एक्सेप्ट करना सीखें, चाहे वो हम हैं आप हैं या किसी भी कंट्री से ताल्लुक है। हमारे यहाँ के रीजन की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के लोग चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ ये हमारी खामी है। असल में तो, यहाँ के ये नहीं है, यहाँ के रीजन के लोग एक्सेप्ट करते हैं लेकिन यानी चीजें देख लेते हैं उन्हें एक्सेप्ट करते हैं लेकिन दूसरों के सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। यही तो कह रही हूँ कि एक्सेप्ट आपको सबके सामने करना चाहिए, और जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं ना उनकी प्रॉब्लम ये है कि ना तो वो कोई कमेंट लिखते हैं और ना वो कोई डिस्कशन करते हैं, वो सिर्फ लाइक करके एक साइड पर हो जाते हैं, वो बस पढ़ते हैं। और वो लोग जो एक्सेप्ट नहीं करते और जो बेफजूल एक दूसरे के साथ लड़ना चाहते हैं ना, उनके कमेंट सेक्शन लंबे भरे हुए होते हैं। ना एक मैंने बड़ी अच्छी पोस्ट पढ़ी थी कि जब किसी के पास इतना सा नॉलेज आता है ना, वो जो है बहुत ज्यादा डिस्कशन करना शुरू हो जाता है, लेकिन जिस बंदे के पास नॉलेज ज्यादा होता है ना वो खामोश रहता है। ये हकीकत है वैसे, मतलब ये हम लोगों पे भी होती है चीजें, क्योंकि इनिशियली आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं, बट आई थिंक जब आपको बहुत सारी बातें समझ में आ जाती हैं और आपको खुद समझ में आ जाती है ना, फिर आप दूसरे लोगों को उस तरीके से नहीं बोलते, क्योंकि कन्विंस करना हर किसी को आसान नहीं होता, और बस में भी नो डाउट नहीं होता, क्योंकि अगले बंदे पे भी डिपेंड करता है कि वो सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता। एनीवे मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अगर मौजम कुछ बोलना चाहते हैं इसके बारे में तो मतलब मुझे ऑनेस्टली मुझे ओवरऑल ये लगा कि हंसी मजाक में उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दे दिया, बहुत अच्छी यानी कि सीरियस टॉपिक्स पे उन्होंने बातें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझा दी हैं। अगर आप समझने वाले हैं तो, और जहाँ तक सास बहू का मामला है तो वो तो चलता रहेगा, ठीक है ना। तो आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता है इतनी फ्रीडम तो होनी चाहिए कि अगर बहू स्लीवलेस पहनना चाहती है तो पहनने दो भाई, क्या है। पार्वती की सास ने कभी पार्वती को स्लीवलेस नहीं पहनने दिया, फिर तो ये जिंदगी है। पार्वती क्या, पार्वती ने कभी स्लीवलेस नहीं पहना? अरे ड्रामे की बात कर रहा हूँ, कभी तो पहना होगा किसी एपिसोड में, तो पहना होगा, मैंने नहीं देखा, शायद पहना हो लेकिन मैंने भी गौर नहीं किया क्योंकि मैं तब बच्चा था। तब हाँ मैं भी ये नहीं, तुम बच्चे थे, बड़े होते ना तो फिर शायद एवी तो नीना ड्रामे बने हुए कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कसौटी जिंदगी की, मतलब अच्छी वाली बहू थी क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाली, उसमें सास भी बहुत अच्छी थी। चले आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग दिस वीडियो। इसी के साथ हम देखते हैं, ज्यादा वीडियोस कर लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब वीडियोस करें, शेयर, पेसिंग योर प्रेयर्स टिल देन।